बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं जो कि अलल सुबह आज बारामूला ज़िला से सामने आ रही है, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से एक साबिक पुलिस ऑफिसर पर गोलियां चलाई गई और जिसकी वजह से उसे मौत वाका हुई है। जनाज़ीन पूरी तफसलात इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि घंटामाला बारामूला में आज सुबह उस वक्त खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ जब मुश्तबा बंदूक बरदारों ने एक साबिक सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP मोहम्मद शफी मीर को गोली मारकर हलाक कर दिया। नाज़रीन किराम आपको बता दें, ज़राए के मुताबिक ये मालूम हुआ कि मोहम्मद शफी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो अपनी रिहायशगाह के करीब एक मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वाकये में वो शदीद जख्मी हुए, इस दौरान उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आपको यह भी बताते चले कि इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। कश्मीर पुलिस जोन ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा, मिलिटेंटों ने एक सबक सीनियर पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। जनाज़रीन ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो अलल सुबह आज बारामूला जिला से सामने आ रही है, जहां पर अननोन गनमैन की तरफ से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पर गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से उसकी मौत वाका हुई है।